मैं अपना अपना ऑल टाइप चैनल में आप सबकी स्वागत है। रेसिपी के लिए एक मैंने बोल ले लिया और एक कटोरी सूजी, हाफ कटोरी मैदा ले लूंगी, हाफ कटोरी चीनी, इसी कटोरी की नाप से मैंने लिया, अच्छे से मिक्स कर दूंगी। अब इसके इसमें दूध डाल दूंगी, अच्छे से मिक्स कर दूंगी। अब मैदा, सूजी और चीनी तीनों को एक साथ इस तरीके से फेंट लूंगी। अब मैं अच्छे से मिक्स कर लें, अब 10 मिनट के लिए रख दूंगी मैं ऐसे ही रेस्ट करने के लिए, सूजी तय फूल जाए। बैटर मेरी 10 मिनट के लिए रेस्ट हो गई, अब फिर मैं इस थोड़ी देर ऐसी इस तरीके से चला लूँगी। एक चम्मच बेकिंग पाउडर डाल दूँगी, अच्छे से मिक्स कर दूँगी। बेकिंग पाउडर को डालने के बाद ही देखिए कितना फूल रही है मेरी बैटर, और एक ही डायरेक्शन में इस तरीके से चलाऊंगी। बेकिंग पाउडर अच्छे से मिक्स हो गए। अब मैं ले लिया एक केक टिन और एक वाटर पेपर ले लिया, और वाटर पेपर में मैं इस तरीके से ब्रश की सहारे से तेल लगा लूंगी मैं। अब बैटर को केक टिन में डाल दूंगी। अब बैटर को मैंने डाल दिया, अब इस तरीके से ने टैप कर लूंगी मैं। पहले से ही मैं कढ़ाई में पानी डाल के बॉईल करने के लिए रखी थी, पानी मेरा अच्छे से गर्म हो गई। अब मैं पानी में इस तरीके से रख दूंगी। अब मैं इसमें स्टैंड नहीं रख रही हूँ क्योंकि ये मेरी एकदम सेट हो गई केक टिन। और ऊपर से एक बड़ी बर्तन रख दूंगी, 10-15 मिनट के लिए मैं कढ़ाई में ऐसी मीडियम फ्लेम में रख दूंगी। अब मैं बर्तन को खोल दूंगी, वाओ कितना अच्छा बना है केक। गैस मैंने बंद कर दी और एक नाइफ की सहारे से मैं केक को देख लूंगी, चाकू मेरे क्लीन निकल के आ रही है। देखिए केक मेरे बनके तैयार हो गई। अब मैं केक को मैं ठंडा कर लूंगी। अब मैं मलाई बनाने के लिए एक कढ़ाई रख दिया, एक कटोरी पानी ले रही हूँ, डाल दी पानी। अब पानी गर्म हो रही है मेरी, एक कटोरी पाउडर दूध ले रही हूँ, पाउडर दूध इसके साथ पानी में मिल कर दूंगी अच्छे से। स्पैचुलर की सहारे से ऐसी घुमा घुमा के अच्छे से मेल्ट कर लूंगी।
पाउडर दूध हमारे अच्छे से मिक्स हो गए हैं, अब ये गाढ़ा होते जा रहे हैं। और 4 चम्मच डाल दूंगी चीनी। चीनी को अच्छे से मिक्स कर लूंगी। अब डाल दूंगी किशमिश और डाल दूंगी गोला। अच्छे से मिक्स कर दूंगी। अब मेरे मलाई बन गई। अब गैस की फ्लेम को मैं बंद कर दूंगी। अब मलाई को मैं एक ठंडा कर लूंगी। अब मलाई में मैं इलायची पाउडर डाल दूंगी खुशबू के लिए, मतलब फ्लेवर के लिए। अच्छे से मिक्स कर दूंगी। केक मेरी ठंडी हो गई। अब मैं नाइफ की सहारे से किनारे को ऐसे छुड़ा लूंगी। अब प्लेट में निकाल लूंगी। वाओ, केक मेरे बनके एकदम रेडी हो गए। अब बटर पेपर को मैं छुड़ा लूंगी। कितना अच्छी बनी, एकदम फूली फूली सॉफ्ट सी। अब ऐसे नाइफ से छेद कर लूंगी मैं, ताकि मलाई अंदर तक पहुंचे। अब मलाई को मैं इस तरीके से डाल दूंगी। गार्निश के लिए ऊपर से दे रही हूँ बादाम। आप लोग घर पे एक बार ट्राई करके देखना और कमेंट पे बताना मेरा मलाई केक कैसी लगी। मेरी मलाई केक की रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना, अपना ऑल टाइप चैनल टाके सब्सक्राइब करना और पास में बेल आइकन टा क्लिक करना। मैं काट के दिखा रही हूँ। मेरा केक कितनी सॉफ्ट बनी देखिए। देखिए फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। और हाँ, मैं बंगाली हूँ, मेरी बात क्लियर अच्छे से मैं बोलना नहीं आती मुझे, तो प्लीज़ माफ़ करना।